टर्बुलेंस हो रहा है बीच बीच में। देखिए हम लोग को कैब भी आ चुका है, स्पीड कैमरा सा 60 के ऊपर नहीं। फर्स्ट टेक ऑफ ऑफ माय लाइफ ऑफ आवर लाइफ। ये हैप्पी लैंडिंग। आप सभी को स्वागत है। बेंगलुरु फ्लाईओवर है 13 किलोमीटर का, इंडिया लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर। बहुत ज्यादा क्राउड है, सीट भी नहीं है बैठने के लिए। हम लोग बस के एकदम बैक साइड में आ गए। ओल्ड वर्ल्ड का एयरपोर्ट सब उधर ही चलता है। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो दोस्तों आज है वेडनेसडे 14 दिसंबर 2022। टाइम ऑलमोस्ट 3 AM इन द मॉर्निंग। मैं हूं साहिब और आप देख रहे हैं चैनल मॉर्निंग। तो दोस्तों जस्ट एक घंटा पहले नींद से उठ चुका हूं 2 AM पे वेरी अर्ली, क्योंकि आज हम लोग को निकलने वाले हैं घर के लिए। हम लोग हैदराबाद छोड़ के जा रहे हैं। तो दोस्तों ये जो वैसा हैदराबाद सीरीज स्टार्ट होने वाला था, तब मैंने कहा था कि इस ट्रिप में हम लोग बाई रोड बाय रेल बाय एयर ट्रेवल करेंगे। तो रोड और रेल में तो हो गया, अब एयर वाला बाकी है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग का फ्लाइट है शमशाबाद में, जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ से हम लोग जाएंगे टू दुर्गापुर, जहाँ पे काजी नजरुल इस्लाम डोमेस्टिक एयरपोर्ट हम लोग घर के मतलब भाया बेंगलुरु मतलब कि बेंगलोर केम्बिकोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। तो पैकिंग वगैरह सब कुछ रेडी हो चुका है, मम्मी पापा भी यहाँ पे रेडी बैठे हैं। तो चलिए निकल जाएंगे, क्योंकि फ्लाइट जो है 6:50 AM पे, तो 2 घंटा पहले एयरपोर्ट में पहुँचना पड़ता है। यहाँ से एयरपोर्ट 1.5 घंटा लग ही जाता है, फिर कैब बुक भी करना है। तो इसीलिए फर्स्ट टाइम हम लोग का फ्लाइट एक्सपीरियंस है, एक ड्रीम भी पूरा हो रहा है, सिर्फ मेरा ही नहीं मम्मी पापा सबके लिए। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे। तो टाइम लगे क्योंकि सिक्योरिटी चेकअप है, चेक इन है, सब कुछ बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ होता है। तो चलिए लेट्स गो एंड एंजॉय द ट्रिप। हम लोग का कैब बुक हो गया उबेर में। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल रूम। तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं, 2 मिनट में आ जाएगा कैब ड्राइवर और हम लोग ठहरे थे ये वाला 104 रूम में। तो फाइनली हम लोग को कैब भी आ चुका है एकदम होटल के सामने, लगेज डाल के निकल जाएंगे। हम लोग होटल से निकल पड़े हैं टूवर्ड्स राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मम्मी पापा पीछे बैठे हैं, एक्साइटेड घर जाने के लिए, सब एक्साइटेड है और फर्स्ट फ्लाइट भी है उनके लिए, मेरे लिए भी। अर्ली मॉर्निंग पे निकलने से एक ही फायदा रहता है, कोई सिग्नल नहीं, ट्रैफिक नहीं, ऑल रोड्स आर क्लियर। हुसैन सागर लेक, जब से हम लोग वाइजैग और हैदराबाद आए हैं मतलब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तब से हम लोग लोकल ट्रांसपोर्ट ही यूज़ कर रहे हैं, मतलब इतना अच्छा है आपका लोकल ट्रांसपोर्ट। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर ट्रैवलिंग बाई कैब। अर्ली मॉर्निंग है, अभी लोकल ट्रांसपोर्ट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है इसीलिए, नहीं तो यहाँ पे हर चीज़ बहुत ही अच्छा है। लोकल ट्रांसपोर्ट बोलिए, कैब बोलिए, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, एवरीथिंग बिहेवियर ऑल सब कुछ। तो अभी जल्दी पहुँच जाएंगे एयरपोर्ट। तो ये वाला फ्लाईओवर है 13 किलोमीटर का, इंडिया लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर। इस फ्लाईओवर का जो नाम है वो है पीवी नरसिंह राव, जो कि एक प्राइम मिनिस्टर रह चुका है इंडिया का, वो तेलंगाना से बिलोंग करते थे, उन्हीं का नाम से ये फ्लाईओवर बनाया गया। तो इस फ्लाईओवर में बाइक्स अलाउड नहीं है, ओनली 4-व्हीलर, बस ऑटो भी नहीं चलता, कैब्स चलता है। अभी जो हम लोग फ्लाईओवर से जा रहे हैं ये स्पेशली बना है एयरपोर्ट के लिए, मतलब ताकि टाइम ना लगे सिटी के जाम से, ज़्यादातर VIPs भी जाते हैं, तो इसीलिए कार वगैरह जाते हैं और एयरपोर्ट के जो बस है स्पेशल वही सब जाते हैं। अब इस फ्लाईओवर का एंड पॉइंट आया, कम से कम 15-20 मिनट तक हम लोग इस फ्लाईओवर से गए। अभी भी एयरपोर्ट यहाँ से ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर्स का दूरी है, तो अभी भी 20-30 मिनट लग जाएगा, 20 मिनट तो लगेगा ही। तो अभी हम लोग एयरपोर्ट एरिया में घुस चुके हैं, अभी भी अंदर जाना है बहुत। अभी जो ये एयरपोर्ट वाला रोड में जा रहे हैं इसमें सारे स्पीड कैमरास हैं, 60 के ऊपर नहीं जाना है। और एयरपोर्ट के अंदर में जो पार्किंग है 250 रुपीज़ 1 आवर के, उसके बाद 50 रुपीज़ करके बढ़ता है रहा। तो हम लोग का सिर्फ ड्रॉप रहेगा, हम लोग सेकेंड फ्लोर में ड्रॉप होगा, और अगर आप पिकअप करना है तो फर्स्ट फ्लोर से ओनली। ऑलमोस्ट हम लोग एयरपोर्ट आ चुके हैं, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद।
से हम लोग लगेज कैरियर ले लिए, हम लोग का लगेज रेडी अभी रेडी, फोटो शूट हो गया और अभी हम लोग जाएंगे सीधा गेट के तरफ एंट्री। यहाँ से हम लोग बोर्डिंग पास को प्रिंट कर लिए, वेब चेक इन तो हो ही चुका था। हम लोग का फ्लाइट है इंडिगो 6413 बेंगलुरु, 6:50 में डिपर्चर है, 19 नंबर गेट। फाइनली हम लोग का बैगेज चेक इन हो गया, सिक्योरिटी चेक भी क्लियर हो गया, अभी जाएंगे गेट नंबर 19। अभी हम लोग गेट नंबर 19 के पास आ चुके हैं और यहाँ पे बैठे हैं। बोर्डिंग होने में थोड़ा देरी है, 6:05 AM पे बोर्डिंग होगा, तो अभी थोड़ा बिस्कुट वगैरह खाएंगे, नाश्ता करेंगे, भूख लग चुका है। तो ड्राइवर्स में डाल दिया। गेट नंबर 18 पे बोर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, लेकिन हम लोग का भी देरी है। तो वो रहा हम लोग का फ्लाइट। जस्ट ना हम लोग थोड़ा सा टिफिन किए, बिस्कुट चिप्स पानी वगैरह पिए, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, पेट ठंडा हुआ और अभी हम लोग का फ्लाइट छोटी में देरी है, 6:05 AM पे बोर्डिंग स्टार्ट होगा, तो इसीलिए गेट नंबर 19 के पास वेटिंग एरिया में बैठे हैं। तो आज हम लोग का जो फर्स्ट फ्लाइट होगा वो है फ्लाइट नंबर 6413 A321, मतलब एयरबस नंबर A321। तो हम लोग शमशाबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से छूटेंगे 6:50 AM पे, 1 hour 20 hours का फ्लाइट है और हम लोग पहुँचेंगे बेंगलुरु टर्मिनल 1 केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 8:10 AM पे। तो वहाँ पे भी 1 hour 45 minutes का ले ओवर रहेगा, उसके बाद बेंगलुरु टर्मिनल 1 से हम लोग पकड़ेंगे फ्लाइट और सीधा दुर्गापुर पहुँच जाएंगे। तो ये हम लोग का फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस है, तो आज पूरा एकदम फ्लाइट में घूमेंगे, दो दो ओवर फ्लाइट है तो पूरा फ्लाइट में चढ़ने का शौक भी पूरा हो जाएगा। और आज थोड़ा महंगी बातचीत हो रहा है, फ्लाइट में घूम रहे, कैब में घूम रहे, तो बहुत ही बढ़िया। एनीवेज जोकिंग कर रहा था वो वाला लास्ट वाला पार्ट। तो वॉशरूम पे आके थोड़ा फ्रेश हो लिया, अभी थोड़ा फ्रेश लग रहा है। तो यहाँ पे बोतल खाली हुआ था तो रिफिल कर लिया, ड्रिंकिंग वाटर। सीनियर सिटीजन्स के लिए गाड़ी भी अवेलेबल है। यह है गेट नंबर 19, यहाँ से हम लोग का बोर्डिंग होगा। यू कैन अवेल व्हील चेयर ऑल्सो फॉर पेशेंट एंड डिसेबल्ड। थैंक यू सर। हाँ ये बात तो चाप हो जाए तो पा दिए था आगे पा था। चलो गुड मॉर्निंग, चलो हम लोग को इतना बैड लक है कि विंडो ठीक से नहीं मिला, थोड़ा सामने तरफ है और इधर एक सीट है 39A, B and 38C। तो अभी तक मैं यहीं पे बैठ गया, जो आएगा उसके साथ थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। इंडिगो का फ्लाइट काफी कंफर्टेबल है और काफी अच्छा लेग रूम भी है ये वाला स्पेस। बैक साइड सीट छोड़ने का एक ही फायदा है कि यहाँ पे लेबोरेटरी है, मतलब टॉयलेट है सामने ही। तो ये है फ्लाइट का वॉशरूम, यहाँ पे हैंड वॉश कर सकते हैं। यहाँ पे दो नंबर, एक नंबर।
बच्चों के लिए है, बेबी के लिए। मैंने यहाँ पे फ्लाइट में जो टॉयलेट है इसको किया, कितना बढ़िया है वॉशरूम यहाँ का। मतलब इतना छोटा जगह में सब कुछ है, मतलब एक नंबर दो नंबर का जाएगा। फिर लिक्विड सोप, वार्म वाटर हाथ धोने के लिए पेपर यूज़ कर सकते हैं डस्टबिन में फेंकिए, और मिरर भी है फ्रेश होने के लिए। बहुत ही बढ़िया लगा, इतना कॉम्पैक्ट। तो यहाँ पे पेंट्री अवेलेबल है। अभी विंडो ग्लास में ड्यूज है, ओस है, मॉइस्चर तो दिखाई नहीं दे रहा ठीक से। There are 10 emergency exits on this aircraft, 2 forward, 2 in the middle, 2 rear and 2 over each wing on both sides. The nearest exit can also be behind. So finally, हम लोग का फ्लाइट छूट रहा है। First take off of my life, of our life. The first take off of our life. तो कैमोन लग ची, एक्साइटमेंट लग ची? Very nice. Very excited. देवता आ गया, हम लोग एकदम ऊपर में आ गया। जब स्टार्ट हुआ, जब थ्रस्ट फील हुआ ना, और फिर हल्का हो गया, फिर टर्निंग लिया ऐसा ऐसा, तो अमेजिंग फीलिंग। ड्रोन तो मैंने बहुत उड़ाया, लेकिन आज खुद ड्रोन में बैठ के उड़ रहा है, वैसा फील हो रहा है। ड्रोन उड़ाने का मजा अलग होता है, लेकिन वो वाला जो फीलिंग बैठ के लग रहा है ना, वो वाला मजा आ रहा है। तो अंदर में उतना साउंड नहीं लग रहा, हल्का फैन चलने का जैसे साउंड आ रहा है, जैसे एयर कूलर चलते ना वैसा, और जब टर्न कर रहा है ऐसा वैसा, तो वो वाला फीलिंग आ रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ऊपर हो रहा है, और जैसे ड्रोन उड़ाता है वैसा ही लग रहा है। मतलब आज कुछ ड्रोन बन गया मैं। अभी हम लोग कम से कम 30,000 फीट के ऊपर ही होंगे, मतलब एवरेस्ट से भी ऊपर, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो अजीब सा एक फीलिंग हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि स्टील खड़े हैं स्पेस में। ऐसा फील हो रहा है कि कान सुन पड़ रहा, मतलब बंद हो जा रहा है, फिर फूट गिरने से गन्ने पर कान खुल जा रहा है। जैसे होता है ना पहाड़ियों में, जैसे माउंटेन में, सिक्किम वगैरह में हाई एल्टीट्यूड, वैसा ही फील हो रहा है। अभी मैंने ब्लू ग्लास, मतलब ट्रांसपेरेंट ग्लास उतार के सनग्लास पहन लिया। कभी कभी इतना धूप आ रहा है ना विंडो से, आइस में लग रहा है। आज का दिन बहुत ही स्पेशल रहा हम लोग के लिए, मतलब अभी भी चल रहा है आज का दिन स्पेशल, क्योंकि ये हम लोग का फर्स्ट टाइम फ्लाइट है, और एक ड्रीम भी पूरा हो रहा है, वो भी हम पापा के साथ, मतलब हम तीनों एक साथ। अभी हम लोग विंडो से देख रहे थे, और मम्मी कह रही है कि जो क्लाउड्स है वो कॉटन जैसे लग रहे हैं, कॉटन क्लाउड्स। कितना सुंदर है हम लोग का वर्ल्ड, मतलब पृथ्वी इतना ऊपर से देखना, स्पेस से देखने से और अच्छा लगेगा, तो यहीं से इतना सुंदर लग रहा है। तो अब धीरे धीरे हम लोग नीचे उतर रहे हैं, लैंडिंग हो रहा है और क्लाउड्स के अंदर जा रहे हैं। अमेजिंग व्यू, हम लोग क्लाउड से अब बाहर निकल गए, अब नीचे दिखाई दे रहा है।
अभी पूरा जल्दी जल्दी हम नीचे उतर रहे हैं, पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स को फील कर रहे हैं। तो लैंडिंग हो रहा है, लैंडिंग हो गया, हैप्पी लैंडिंग। ब्रेक कुछ देखो, जब ब्रेक कर रहा ना एकदम वेरी फास्ट, पूरा फील कर पा रहे हैं, स्लो हो रहा है। बेंगलुरु पहुंच गए हैं, धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव अराइव्ड इन बेंगलुरु, थैंक यू। वी हैव लैंडेड टू बेंगलुरु कर्नाटक, टूर बेंगलुरु एयरपोर्ट, केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टर्मिनल 1। पीछे बैठने का थोड़ा डिसएडवांटेज भी है, फ्लाइट में निकलने के लिए लाइन पड़ जाता है। फाइनली वी लैंडेड एट बेंगलुरु टर्मिनल 1। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी को स्वागत है बेंगलुरु में कर्नाटक का टर्मिनल 1। दिस एयरपोर्ट नेम इज केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये हम लोग का नेक्स्ट फ्लाइट है 9:55 AM में, 6475 दुर्गापुर के लिए फ्लाइट है, गेट नंबर 7। अभी हम लोग का जो नेक्स्ट कनेक्टिंग फ्लाइट है वो है गेट नंबर 7 से छूटेगी, 9:10 AM पर हम लोग का बोर्डिंग स्टार्ट होगा। तो अभी हम लोग के पास 1 hour 45 minutes ले ओवर है, तो अभी हम लोग वेटिंग एरिया में बैठे हैं। और हम लोग का जो नेक्स्ट फ्लाइट है, फ्लाइट नंबर 6475 A321 एयरबस, उसी में जाएंगे। तो हम लोग अभी है बेंगलुरु टर्मिनल 1 केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ से फ्लाइट छूटेगी 9:55 AM पे, और 2 hour 30 minutes का फ्लाइट है। हम लोग पहुँच जाएंगे दुर्गापुर काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट 12:25 PM में। तो बहुत ही जल्दी घर पहुँच जाएंगे और वहाँ पे हम लोग का कैब भी वेट करेगा, तो बहुत ही बढ़िया है। बेंगलुरु जो एयरपोर्ट है काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, बहुत ज़्यादा क्राउड भी है। अभी हम लोग टर्मिनल 1 में है, टर्मिनल 2 भी है, यहाँ पर बहुत सारा गेट्स भी है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, सीट भी नहीं है बैठने के लिए। मम्मी पापा को इधर बैठा दिया, इधर मम्मी इधर पापा बैठे हैं। अभी थोड़ा टाइम था तो हम लोग थोड़ा टिफिन कर लिए, बिस्कुट पानी ये सब पी लिया, फ्रेश हो लिया, पापा भी वॉशरूम गए। और बहुत दिन से बेंगलुरु आने का इच्छा था, बेंगलुरु के बारे में बहुत सुना था, तो फाइनली आज बेंगलुरु में लैंड के घूम नहीं पाएंगे लेकिन छू के जा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे, घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे बेंगलुरु को, कर्नाटक। ये गेट नंबर 7, यहाँ से हम लोग का बोर्डिंग होगा। थैंक यू। अभी हम लोग बस में जाना पड़ेगा, वही गेट है, चलो यही गेट है, माँ यही गेट है, चलो सही गेट है, खाली है। अभी हम लोग बस के एकदम बैक साइड में आ गए, यहाँ पे खाली भी है। ऑयल टैंक फुल कर दो, ऑयल टैंक कर, बीच में तेल ना खत्म हो जाए। फाइनली हम लोग अपना एयरक्राफ्ट के सामने आ चुके हैं, ये वाला एयरबस जाएगा, वेटिंग है, लाइन है, क्यू में है। अभी जाना पड़ेगा, बहुत शोर है, देर से जाना पड़ेगा ऊपर, हम लोग अभी आ रहे हैं। भाई कितना बड़ा जेट इंजन है, बहुत बड़ा। बाय बाय बेंगलुरु। अभी हम लोग का सीट नंबर है 22DEF। अभी हम लोग है एकदम मिडिल ऑफ द फ्लाइट, एकदम विंग के ऊपर। ये है इंस्ट्रक्शन मैनुअल। ये है हम लोग का दूसरा फ्लाइट, सेकंड फ्लाइट, एक ही दिन में दो बार फ्लाइट में चढ़ गए, पूरा फ्लाइट का चढ़ने का शौक पूरा हो गया।
इस बार हम लोग फ्लाइट के मिडिल में हैं और दो दो विंडो मिल गया, एक ये वाला विंडो और एक फ्रंट। लास्ट बार सिर्फ एक ही विंडो मिला था, अभी एकदम लास्ट वाला सीट में। फाइनली बेंगलुरु एयरपोर्ट को हम लोग छोड़ रहे हैं। बाय बाय बेंगलुरु, कर्नाटका फिर आएंगे और इस बार बाइक में आएंगे। Into the clouds, हम लोग clouds के अंदर घुस रहे हैं। Clouds के ऊपर, आज मैं ऊपर, आसमान नीचे। Clouds से ऊपर चले गए। आज हम ऊपर आसमान नीचे। जब रनवे में पिकअप लिया ना, जो थ्रस्ट और टॉर्क फील हुआ अमेजिंग। कितना पीछे जा रहा था, अभी जब फ्लाइट उड़ गया तो कितना वेट लग रहा था, पानी फिर धीरे धीरे हल्का हो गया, अमेजिंग फीलिंग। फिर से भूख लग गई और अभी हम लोग फ्लाइट में खा रहे हैं मूंग दाल, मतलब अप्रोक्सीमेटली 30,000 feet के ऊपर हम लोग खा रहे हैं, मतलब महंगी बातचीत। भाई टर्बुलेंस हो रहा है बीच बीच में, देखिए फ्लाइट जो है पूरा हिल रहा है। अभी हम लोग खा रहे हैं पाले जी बिस्कुट, के सस्ता खाना लेकिन महंगी बातचीत चल रहा है। फ्लाइट में आ रहे हैं 30,000 feet के ऊपर। तो अभी अभी मैं फ्लाइट में बैठ के सोच रहा था कि जो पैसा का हैदराबाद ट्रिप था, इसमें हम लोग कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डायरेक्शन पे किया और कितना स्टेट्स को कवर किया। सबसे पहले हम लोग घर से निकले थे रानीगंज से टूवर्ड्स ईस्ट गए 200 किलोमीटर हावड़ा जंक्शन। फिर हावड़ा जंक्शन में उसमें हम लोग गया उड़ीसा के विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश है और साउथ वेस्ट अप्रोक्सीमेटली 900 किलोमीटर्स का। फिर आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम हम लोग लोकल साइड सिंह वगैरह किया, अप्रोक्सीमेट 200 से 300 किलोमीटर हो जाएगा और कब से वगैरह किया। फिर आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम से हम लोग टूवर्ड वेस्ट गए हैदराबाद तेलंगाना, जो कि था अप्रोक्सीमेटली 700 किलोमीटर का आसपास। फिर हैदराबाद में भी लोकल साइड सिंह वगैरह किए, वो भी 200 से 300 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा। अब हैदराबाद तेलंगाना से हम लोग आए टूवर्ड साउथ बेंगलुरु कर्नाटक, जो कि अप्रोक्सीमेटली 500 से 7,000 किलोमीटर के आसपास हो जाएगा। अब अभी हम लोग बेंगलुरु कर्नाटक से जा रहे हैं दुर्गापुर वेस्ट में, जो कि है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो ये भी कम से कम 300 से 2,000 किलोमीटर के आसपास हो जाएगा। तो मैंने टोटल कैलकुलेट किया इस ट्रिप में हम लोग ट्रैवल किया अप्रोक्सीमेटली 5,000 किलोमीटर के आसपास, और काफ़ी लंबा ट्रिप था, 10 डेज का ये ट्रिप था। सोचिए कितना लंबा ट्रिप होगा, और इस ट्रिप हम लोग खर्चा है अप्रोक्सीमेटली 40,000 के आसपास 3%। देखिए कितना सस्ता मिलता, मतलब होटल्स वगैरह भी चीपर मिला, बहुत अच्छा रूम भी था, लोकल ट्रांसपोर्ट लोकल टूरिज्म हम लोग सब कुछ यूज़ किए, बहुत ही बढ़िया कंफर्टेबल था। और जैम तो आपको हर जगह में मिल जाएगा, चाहे वो प्राइवेट कार में घूमें या फिर लोकल ट्रांसपोर्ट, लोग बहुत अच्छे थे। तो ये ट्रिप जो था एकदम बहुत ही अफोर्डेबल और अमेजिंग, बहुत मज़ा आया, ग्रेट ट्रिप। Finally we are landing. Ada ka boundary the dukhe galam airport er. Hey, par chube. Hey, yeah. Yay, happy landing. Oh.
बेस्ट, व्हाट अ टॉर्क। Finally, we landed at Durgapur Andal Airport, Kaji Nazrul Islam Domestic Airport. Our motherland, home sweet home, yay! Wow, our Kaji Nazrul Islam Airport is so big. तो हम लोग का second luggage भी आ चुका है, yay! लोग लगेज ले लिए, पापा लगेज को ला रहे हैं, मम्मी पीछे हैं। जो गाड़ी से फर्स्ट हम लोग गए थे रनिंग स्टेशन जब ट्रिप शुरू हुआ था, उसी गाड़ी से अभी घर जाएंगे। तो संदीप भैया आ चुके हैं। अभी हम लोग लगेज लेके गाड़ी के पास आ चुके हैं पार्किंग में, और देखिए इंडिया का झंडा कितना अच्छा लग रहा है, पूरा तिरंगा हम लोग का लहरा है, हवा दे रहा है। काजी नजरुल इस्लाम डोमेस्टिक एयरपोर्ट, अभी घर की तरफ चलेंगे। तो ये है काजी नजरुल इस्लाम का चेक पोस्ट, यहाँ पे पार्किंग लगता है 50 रुपीज पर व्हीकल। एसीएल का कोल्ड बेल्ट का एयरपोर्ट सब उधर ही चलता है। बाद में लेगा। ट्रिप शुरू हुआ था संदीप भैया के साथ जब रनिंग एंड छोड़ने आए थे फर्स्ट डे, और अभी ट्रिप एंड हो रहा है संदीप भैया के साथ। ये वाला पावर प्लांट हम लोग देख लेते हैं फ्लाइट से। तो फाइनली 2 PM इन द आफ्टरनून हम लोग घर लौटे, और आके सबसे पहले फ्रेश होके खाना खाया, बहुत भूख लग गया, तो उसके बाद नहा के मस्त सोया। तो आज का दिन बहुत ही बढ़िया गया, फ्लाइट एक्सपीरियंस वाज ऑसम, और हमारा लाइफ का फर्स्ट और सेकंड फ्लाइट एक ही दिन में पूरा हुआ, क्योंकि कनेक्टिंग फ्लाइट था, थोड़ा लॉन्ग फ्लाइट था, लेकिन जो टेक ऑफ और लैंडिंग का एक्सपीरियंस था दैट वॉज अमेजिंग। और फाइनली एक ट्रिप पूरा हुआ और एक लाइफ टाइम मेमोरी बन चुका है, नॉट ओनली फॉर मी बट ऑल्सो फॉर माई पेरेंट्स। सिर्फ एक ही चीज़ का कमी लगा, फ्लाइट के अंदर में कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं था कैजेस को चार्ज करने के लिए। अब ये क्यों नहीं दिया गया ये मुझे पता नहीं, हालांकि एयरोप्लेन को माना जाता है वन ऑफ द फाइनेस्ट इंजीनियरिंग वर्क्स। एनीवेज दोस्तों, फर्स्ट टाइम फ्लाइट एक्सपीरियंस वॉज ग्रेट, और ये जो फैजा हैदराबाद ट्रेवल ब्लॉग सीरीज चल रहा था यहीं पर एंड हो जाएगा। सिर्फ हैदराबाद में 2 कमियाँ रह गया, एक है कि जो फेमस हैदराबादी दम बिरयानी वो हम लोग ट्राई नहीं किया, क्योंकि हम लोग मीट नहीं खाते, और मीट के बिना तो बिरयानी का कोई मज़ा ही नहीं। और जो फेमस ओरिजिनल हैदराबादी पल्स होता है वो हम लोग खरीद नहीं पाए, बहुत कॉस्टली होता है भाई। तो एक ही बार में एक जगह जाके पूरा कभी भी एक्सप्लोर करके कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, बार बार आना पड़ता, तो फिर जाएंगे, प्यार हो गया है भाई जगह हैदराबाद से, इस पर सोच रहे बाइक से जाएंगे तो और अच्छा से एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो एनीवेज दोस्तों, ये जो फैजा हैदराबाद ट्रिप था ये बहुत ही बढ़िया गया, अमेजिंग, ग्रेट, ऑसम, सब कुछ बहुत स्मूथ हुआ, और फाइनली सेफ एंड साउंड वी आर बैक टू आवर होम स्वीट होम। तो अंध भला तो सब भला। तो दोस्तों ये ब्लॉग कहीं पेंट कर देंगे, यहाँ तक आप वीडियो देख लिए, पसंद आए इसे पत्र कर दीजिए, वीडियो को लाइक अपना सकते हैं, शेयर कुछ भी कर देते, क्या अच्छा लगा, कब लगा ये जो फैजा कहता हुआ ट्रेवल सीरीज आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ उस वीडियो प्रेस कर दीजिए, और ऑल वॉन्ट से प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो प्रोड्यूस करें।